बॉलीवुड में अपने दमदार डायलॉग से लेकर शानदार किरदारों को निभाने वाले एक्टर धर्मेंद्र और इंडस्ट्री में ड्रीम गर्ल और बसंती के नाम से मशहूर हेमा मालिनी की प्रेम कहानी से तो हम सभी रूबरू हैं। लेकिन क्या आपको जितेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी के बारे में पता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं हेमा मालिनी और जितेंद्र के बीच ऐसा क्या हुआ था जिस पर धर्मेंद्र जी ने हंगामा काट दिया था। नमस्कार, ओपोई हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष राव। किस्सा बॉलीवुड के सातवें एपिसोड में आपको हेमा मालिनी, जितेंद्र और धर्मेंद्र जी से जुड़ा वो किस्सा बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बात उस वक्त की है जब इंडस्ट्री में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी का प्यार परवान चढ़ रहा था। लेकिन उस दौरान एक ट्विस्ट तब आया जब उन दोनों के इस रिश्ते के बारे में हेमा जी की माँ जया चक्रवर्ती को पता चल गया। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा जी ने मिलना जुलना जारी रखा। वे बाहर और फिल्म के सेट पर अक्सर मिला करते थे। हेमा मालिनी की मां अपनी बेटी की हरकतों पर नजर रखती थी। जाहिर है, अब तक हेमा और धर्मेंद्र के पास अपनी मुलाकातों को फिल्म के सेट तक सीमित रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन हेमा मालिनी के अफेयर की खबरों और यूं बार बार गायब होने से परेशान होकर उनकी माँ ने उनकी शादी करवाने का फैसला किया। क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि इन दोनों की नजदीकियां ज्यादा बढ़े। साथ ही हेमा मालिनी की मां को पता था कि मन ही मन जितेंद्र हेमा मालिनी को पसंद करते। खुद जितेंद्र भी कई बार अपनी फीलिंग्स के बारे में हेमा जी को बता चुके थे। लेकिन क्योंकि हेमा जी धर्मेंद्र जी से प्यार करते थे, उन्होंने जितेंद्र जी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए। हेमा और जितेंद्र की दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि दोनों एक दूसरे के सीक्रेट कीपर बन गए। लेकिन धर्मेंद्र को उनकी बढ़ती हुई दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ हेमा की मां जया उनकी शादी की प्लानिंग कर रही थी और उन्होंने हेमा को जितेंद्र के माता पिता से कम एक बार मिलने के लिए राजी कर दिया। हेमा के राजी होते ही दोनों परिवारों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्पष्ट रूप से हेमा या जितेंद्र अपना निर्णय बदलने से पहले समारोह को जल्द से जल्द पूरा करना था। दो परिवार हेमा और जितेंद्र मद्रास के लिए रवाना हुए और सब कुछ सेट हो गया। लेकिन किसी तरह इस शादी की खबर धर्मेंद्र जी को लग गई। धर्मेंद्र जी को जैसे ही यह खबर मिली, वह अपने आप पर काबू नहीं रख सके और वह तुरंत शोभा सिप्पी, जितेंद्र की एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड के पास पहुंच और मद्रास के लिए रवाना हो गए। जब धर्मेंद्र और शोभा पहुंचे तो सीन एकदम ड्रामेटिक था। गुस्से में हेमा के पिता ने धर्मेंद्र को धक्का देकर घर से बाहर निकाला और चिल्लाए, तुम मेरी बेटी के जीवन से बाहर क्यों नहीं निकल जाते? तुम एक शादीशुदा आदमी हो, तुम मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्हें एक अलग कमरे में अकेले हेमा जी से बात करने की अनुमति दे दी गई। हेमा के माता पिता, जितेंद्र के माता पिता और खुद जितेंद्र बाहर खड़े होकर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कमरे के अंदर धर्मेंद्र जी हेमा जी से विनती करते रहे कि वह जितेंद्र से शादी न करें। इसके बाद हेमा जी और धर्मेंद्र जी कमरे से बाहर आ गए। हेमा जी ने सभी से पूछा कि क्या वे कोई फैसला लेने से पहले कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं। जितेंद्र जी के माता पिता अब तक काफी गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि शादी अभी नहीं तो कभी नहीं होगी। और फिर यही हुआ भी, वो शादी कभी नहीं हुई। आखिरकार चीजें ठीक हो गईं और हेमा मालिनी ने 2 मई 1979 को धर्मेंद्र जी से शादी कर ली और वहीं जितेंद्र जी की शादी शोभा से हो गई। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।